26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन के पदाधिकारियों ने तहसील लालगंज में लगभग 20 से 25 पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ संविधान दिवस मनाया। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सुरजीत सिंह ने बताया, हर वर्ष हमारा संगठन हजारों की संख्या में जुलूस निकालकर संविधान दिवस मनाता चला आ रहा है, किंतु शासन के निर्देशानुसार कोरोना महामारी के दृष्टिगत आज हम अपने 20 से 25 कार्यकर्ताओं के साथ तहसील लालगंज में संविधान दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंपर्क अधिकारी केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन ने कहा कि यह पूरा देश पूरी व्यवस्था संविधान के अनुसार चल रही है। संविधान की जागरूकता लोगों तक पहुंचे, इसलिए हर वर्ष इस दिवस को हमारा संगठन मनाता चला आ रहा है। आइए देखते हैं लालगंज से हमारे संवाददाता देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 26 नवंबर जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केमास न्यूज। हम इस समय पहुंच चुके हैं तहसील प्रांगण लालगंज में। लालगंज आज संविधान दिवस है। यहाँ पे केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन के पदाधिकारियों द्वारा संविधान सम्मान में आज कार्यक्रम रखा गया है। आइए हम सीधे वार्ता करते हैं। आपने जुलूस निकाला है जी, केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन की तरफ से आज 26 नवंबर के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। सर तेज बोलिए। 26 नवंबर आज 26 नवंबर के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, और इस संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि लोगों को जानकारी हो संविधान के विषय में, क्योंकि संविधान ही भारत के हिंदुस्तान के लोगों की आत्मा है। इसलिए जो है यह संविधान दिवस मनाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए हमारी जहाँ 1000-2000 की संख्या होती थी, आज 10-20 की संख्या है, और शासन के निर्देशानुसार जैसा शासन का गाइडलाइन है उसके अनुसार हमने यह जुलूस निकाला है, सिर्फ और सिर्फ तहसील प्रांगण में। और इसका मेन उद्देश्य है कि हम लोगों के दिलों तक इस संविधान की चर्चा का विषय जो है ये पहुंचा सकें, और संविधान को लोग जान सकें, जिससे उनके हक और अधिकार की रक्षा हो सके लोगों को। मैं रामनिवास गौतम, केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन के जनसंपर्क अधिकारी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर उपस्थित हमारे ब्लॉक, तहसील एवं जिला के पदाधिकारीगण, इस संविधान दिवस 26 नवंबर को तैयार हुआ था। आज जिस संविधान से पूरी देश की व्यवस्था चल रही है, भारतीय संविधान एक ऐसी व्यवस्था है और न जातगत है न धर्मगत है, इससे पूरी देश की व्यवस्था चल रही। जहाँ पर हम बैठे हैं, लोगों की समस्याओं तो केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन के जनसंपर्क अधिकारी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर उपस्थित हमारे ब्लॉक, तहसील एवं जिला के पदाधिकारीगण, इस संविधान दिवस 26 नवंबर को तैयार हुआ था। आज जिस संविधान से पूरी देश की व्यवस्था चल रही है, भारतीय संविधान एक ऐसी व्यवस्था है और न जातगत है न धर्मगत है, इससे पूरी देश की व्यवस्था चल रही। जहाँ पर हम बैठे हैं, लोगों की समस्याओं